नमस्कार, मैं विनोद विप्लो, आपका दोस्त। ग्रेट लीजर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो की शुरुआत एक रोमांटिक गीत से करते हैं। रेखा ओ देखा जब से तुम्हें देखा, रेखा ओ देखा जब से तुम्हें देखा, खाना पीना सब। आपने इस गीत को सुना, आपको इस गीत को सुनने के समय किसकी छवि आपके दिमाग में आ रही है? जिसकी छवि आपके दिमाग में उभर रही है, उसके लिए रफी साहब ने एक और गीत गाया था। तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। तो आपने रफी साहब की आवाज में उस छवि की, जिसकी छवि आपके दिमाग में आ रही है, उसकी तारीफ में कुछ लाइनें आपने सुनी। आप रफी साहब के गाए हुए रोमांटिक गीतों को सुनेंगे तो उन गीतों को सुनकर आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि उसी गायक ने कभी मन तड़पत हरि दर्शन को आज जैसे भक्ति भाव में डूबा हुआ गीत गाया था, या कर चले हम फिदा जाने तन साथियों जैसा देशभक्ति गीत गाया था, और या और ढेर सारे दर्द भरे नगमे गाए थे। तो रफ़ी साहब के जिस भी गीत को सुने, जिस भी भाव के गीत को सुने, आपको लगेगा कि जो गाने वाला है, जो गायक है इसका, वह उसी भाव में रंगा हुआ गायक। मतलब दर्द भरे गीत को सुने तो आपको लगेगा कि यह गायक जो है उसका जीवन तो बिल्कुल दर्द, उसका जीवन दर्द से भरा होगा। अगर रोमांटिक गीतों को सुने तो लगेगा कि वह जो गायक है वह तो बिल्कुल रोमांस करने में माहिर होगा। लेकिन रफ़ी साहब के जीवन में ऐसा कोई रोमांटिक किस्सा बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा क्या नहीं के बराबर है। जैसे और गायकों के जीवन में कई किस्से होते हैं रोमांस के, या अभिनेताओं के जीवन में, जैसे उस समय के जो अभिनेता थे दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, या उस समय के जो गायक थे किशोर कुमार, तो सबके जीवन में ज़्यादातर, या आज के जो नायक हैं और जो गायक हैं उनके जीवन में ढेर सारे रोमांटिक किस्से होते हैं, रोमांस के किस्से होते हैं। लेकिन रफ़ी साहब के जीवन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा रोमांस का किस्सा आपको आपने नहीं सुना होगा। लेकिन रफ़ी साहब, इसका मतलब ये नहीं था कि रफ़ी साहब रोमांटिक नहीं थे। तो आपको इस जो आज का जो वीडियो है उसमें बताऊँगा तो थोड़ा सा आपको उनके रोमांटिक स्वभाव की झलक मिलेगी। वैसे तो उनके रोमांटिक स्वभाव की झलक आपको जो उनके स्टेज शो होते थे उसमें भी, जो जिस तरह से मजाकिया अंदाज रहता था उनका, जो सह गायिका होती थी स्टेज पे, जो सह गायिका होती थी, या दर्शकों के साथ भी कई बार रोमांटिक, मतलब कई बार मजाकिया अंदाज में कुछ कुछ बोलते थे, कुछ बोलते थे या कुछ अलग तरह से गीत को गाते थे। तो ये जो किस्सा है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि रफ़ी साहब, यह उस समय की बात है जब रफ़ी साहब किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने जो रफ़ी बिला नाम का जो मकान है उसको नहीं बनाया था, उससे पहले की बात है। तो पहले रफ़ी साहब पाली हिल में गिरनार अपार्टमेंट में रहते थे, तो शायद वहाँ पे कुछ प्राइवेसी की दिक्कत थी, या हो सकता है वहाँ रहते रहते काफ़ी समय रहे होंगे तो उनका मन उब गया होगा। तो उसके बाद उस मकान को बदल करके बैंड स्टैंड में एक अपार्टमेंट था जिसका सी वर्ल्ड नाम था, उसमें आ गए थे। तो उस जो सी वर्ल्ड अपार्टमेंट है उसकी खासियत ऐसी है जिसके बारे में बाद में बताऊंगा, मतलब। लेकिन उसकी खासियत इस तरह की थी कि रफ़ी साहब के जो बेटे खालिद रफ़ी थे, उन्होंने कहा था कि अपने पापा को कहा था, अपने रफ़ी साहब को कहा था कि अब्बा इस मकान को आप कभी नहीं छोड़िएगा। तो एक समय रफ़ी साहब अपनी पत्नी बिल्किस रफ़ी और उनके बेटे खालिद रफ़ी और उनकी वाइफ यास्मीन कहीं जा रहे थे, तो लिफ्ट से जब उतर रहे थे तो खालिद ने कहा था कि अब्बा इस मकान को आप नहीं छोड़िएगा, ये बहुत खूबसूरत जगह है। और मतलब बाकी वो जो मकान था, जो सी वर्ल्ड जो अपार्टमेंट था, वो काफ़ी, मतलब वहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता था, और उसके सामने समुद्र था पूरा, और समुद्र का व्यू पूरा दिखता था। और उसमें जो खासियत है उसके बारे में बताऊंगा कि
खालिद ने क्यों कहा था कि इस मकान को नहीं छोड़िएगा, तो खालिद ने बोला, जब लिफ्ट से उतर रहे थे चारों लोग, तो बोला कि अब्बा इस मकान को नहीं छोड़िएगा, थोड़ा मजाकिया स्वभाव में। तो उनकी पत्नी, रफ़ी साहब की पत्नी बिल्किस रफ़ी ने कहा हाँ हाँ बेटा इस मकान को नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने रफ़ी साहब को बोला, उनकी पत्नी मान बिल्किस रफ़ी ने रफ़ी साहब को बोला कि आपको पता है कि आपका बेटा जो है वो क्यों बोल रहा है कि इस मकान को नहीं छोड़िएगा? तो मुस्कुराते हुए पूछा क्यों बोल रहा है? तो बिल्किस रफ़ी ने बोला कि आपको पता नहीं है, आप इतने भोले बन रहे हैं। तो बोले नहीं मुझे तो पता नहीं है। तो बोली कि इसी मकान में रेखा रहती है, एक्ट्रेस रेखा। तो अच्छा, रफ़ी साहब ने बड़ा खुश, मैंने अंदर जो खुशी थी उसको छिपाते हुए बोला अच्छा अच्छा यहाँ रेखा भी रहती है। तो बिल्किस रफ़ी ने अपनी जो बहू थी उनको मजाक में बोला कि देखा, अपने ससुर को देखा, बेटा तो शेर और बाप जो है सवा शेर। ये था असल में मामला, ये था कि रेखा जो है उस समय की जो फेमस एक्ट्रेस थी, जिसके बारे में आपने उस गीत में जब गीत सुना रेखा ओ रेखा, तो उसको सुन के आपके दिमाग में जो छवि आई होगी, इसीलिए कहा था कि आपके दिमाग में जो छवि आ रही है उससे जुड़ा हुआ किस्सा है। तो जो एक्ट्रेस रेखा थी वह उसी सीवर्ड अपार्टमेंट में पहली मंजिल पर रहती थी। और ये पता नहीं रफ़ी साहब को पता था या नहीं, ये तो उनको ही पता होगा कि उनको पता था या नहीं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस तरह से बोला कि मैंने अपनी खुशी, लगता है उनकी खुशी अंदर अंदर कुछ थी, उसको जाहिर नहीं करते हुए कि अच्छा रेखा इसी में रहती है। रफ़ी साहब से हंसी छूट गई, उसको अपने हंसी को छिपाने के लिए अपने हाथ को चेहरे पे मुंह पे रखा। और उसके बाद कुछ समय के बाद उन्होंने एक गाना, जो गाना था उसको दोहराया, रेखा ओ रेखा जब से तुम देखा, रेखा ओ रेखा जब से तुम देखा। उसके बाद उन्होंने बेटे को कहा, खालिद को, कि देखो ये गाना जो है आज तो गा दिया हमने, लेकिन न तुम और न मैं कभी इस गाने को गाऊंगा, नहीं तो फिर हमारे लिए काफ़ी परेशानी हो जाएगी। तो यह था उस रेखा और जो गीत है उससे जुड़ा हुआ एक थोड़ा सा मजाकिया लहजे में रफ़ी साहब के रोमांस के स्वभाव को, रोमांटिक स्वभाव को उजागर करने वाला एक किस्सा। तो एक आखिर में बताना चाहता हूँ कि यह जो गाना था रेखा ओ रेखा, यह गीत अधिकार फिल्म में था और 1971 में फिल्म जब रिलीज हुई थी तो यह गीत काफ़ी चर्चित हुआ था। और उस समय जो लोग, उससे पहले जो लोग पैदा हुए होंगे उनको पता होगा कि यह गीत कितना लोकप्रिय हुआ था और हर आदमी के जुबान पर यह गाना जरूर रहता था। तो अभी के लिए बस इतना ही, और आगे हम और बात करेंगे और किसी और किस्से को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खाना पीना सोना दुश्वार हो गया, मैं आदमी था कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके।